फ्रेंड्स, आज का प्लांट है जेट प्लांट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मानसून में जेट प्लांट की देखभाल आपको कैसे करनी है, और यदि आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, प्लांट घना नहीं है, तो कौन सा फर्टिलाइज़र आपको जेट प्लांट में यूज़ करना है। जेट प्लांट, जिसे हम लकी प्लांट के नाम से भी जानते हैं, घर में लगाना बहुत शुभ होता है। यदि आपने अभी तक अपने घर में नहीं लगाया है तो आप इसे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। बारिश में भी देखिए, मेरा जेट प्लांट बहुत ही ज़्यादा घना हरा भरा है। इसमें किसी तरह की कोई पत्तियां पीली नहीं पड़ रही हैं, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी है, किसी तरह का कोई इंसेक्ट या डिसीज़ नहीं है। तो लगाने की यदि बात करते हैं, आप अपने घर में ये प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। देखिए, मैंने कुछ कटिंग से ये प्लांट ग्रो किए हुए हैं। बहुत आसानी से आप लीफ से भी ये प्लांट लगा सकते हैं। इसकी खूबसूरत बोनसाई भी आप मनचाहा शेप देके तैयार कर सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आप 5 से 6 इंच छोटी सी इस तरह से कटिंग ले लें और सॉइल मीडिया तैयार करके उसमें ये कटिंग लगा दें। लेकिन यदि आपके यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है तो इस कटिंग को सेमी शेड एरिया में रख दें। जब कटिंग अच्छी तरह से ग्रो हो जाए तब इसको आप ओपन एरिया में रख सकते हैं। अब बात करते हैं बारिश के समय में प्लांट को रखना कहाँ है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होते हैं लोगों के कि इसको बारिश में रखें या फिर इंडोर रखें। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, जेट प्लांट इंडोर प्लांट नहीं है। यह अच्छी सनलाइट में ग्रो होने वाला प्लांट है और यदि इसे अच्छी धूप मिलती है तो ये बराबर अपना विकास बनाए रखता है। इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन यदि आपके यहाँ लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है तो उसमें आपको इसे इंडोर नहीं रखना है, बारिश में ही रखना है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपके प्लांट की सॉइल का ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए। जैसे ही पानी मिट्टी में पड़ता है, पानी भरा नहीं रहना चाहिए, बहुत जल्दी ये पानी निकल जाए। बिल्कुल आपको हल्की मिट्टी इसमें सॉइल मीडिया में बनानी है जब भी आप ये प्लांट लगाते हैं, क्योंकि जेट प्लांट ज़्यादा वाटरिंग पसंद नहीं करता है। यदि आप इसके सॉइल में पानी ज़्यादा कर देते हैं तो प्लांट की पत्तियां पीली होकर झड़ जाती हैं और पौधे की जड़ें गलने लगती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इस बात का आपको बारिश के दिनों में ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। दूसरी ज़रूरी बात, यदि आपके यहाँ बारिश लगातार हो रही है तो प्लांट की आपको अभी प्रूनिंग कटिंग नहीं करनी है। जब बारिश रुक जाए तब आप प्लांट की प्रूनिंग कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि पानी बरसता है जब लगातार और हम उसको कट करते जाते हैं तो प्लांट में फंगस लगने का डर रहता है। इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अभी मिट्टी लगातार यदि गीली है तो आपको गुड़ाई नहीं करनी है। जब मिट्टी सूख जाए तब आपको प्लांट की गुड़ाई कर देनी है। यदि प्लांट बहुत बड़ा है और आपने छोटे पॉट में लगाया है तो आप उसको रीपॉट भी कर सकते हैं। अभी इस समय आप नर्सरी से लाकर भी प्लांट बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बारिश का सीज़न जेट प्लांट को ग्रो होने में बहुत ही अच्छा सीज़न है। अब बात करती हूँ फर्टिलाइज़र की। प्लांट को हरा भरा घना बनाना है तो मैं दो बहुत ही पावरफुल चीज़ें बताऊँगी जो प्लांट की पत्तियों पर चमक लाएगी, क्योंकि अक्सर होता है प्लांट की पत्तियाँ चमकीली नहीं होती हैं, रूखी रूखी बेजान नज़र आती हैं, तो प्लांट की पत्तियां बहुत चमकीली होंगी, साथ ही प्लांट घना भी बहुत होगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी इन दोनों चीज़ों को डालने से। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 लीटर पानी। आपके जितने भी प्लांट हैं उस हिसाब से आप पानी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो मैं चीज़ डाल रही हूँ वो है ये एप्सम साल्ट। आधा चम्मच एप्सम साल्ट डालना है, मैग्नीशियम सल्फेट इसका नाम होता है, ये खाने वाला नमक नहीं है, और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चाहे तो आप 5 से 10 मिनट इसको रख दें जिससे ये अच्छी तरह से घुल जाए, उसके बाद हमें इसे यूज़ करना है। तो इसको मैं घुलने के लिए रखती हूँ। उसके पहले मैं आपको बताती हूँ दो चीज़ें और प्लांट में कौन सी डालनी है, उसके बाद मैं इसको डालूँगी। तो बारिश के दिन हैं, प्लांट में फंगस लगने का डर रहता है, इसलिए जब भी आपको लगे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, प्लांट की मिट्टी लगातार गीली है, तब आपको इस प्लांट में हल्दी पाउडर डालना है। हल्दी पाउडर से फंगस नहीं लगेगा, प्लांट में चींटियाँ
और इंसेक्ट भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप मिट्टी में चारों तरफ पॉट की साइज़ के हिसाब से आधा से एक चम्मच ये हल्दी पाउडर डाल दें। मेरा प्लांट बहुत घना है, बीच में मिट्टी में इसमें जगह नहीं है, आप इसका लिक्विड पानी भी बनाकर डाल सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। अच्छी तरह से धोकर सुखाई हुई चाय पत्ती का आपको यूज़ करना है। नाइट्रोजन से भरपूर होती है और प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ लाती है और पौधा बहुत घना होता है। तो एक चम्मच भर के मैंने ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। चारों तरफ से थोड़ा सा मिट्टी को हल्का कर लें और इस तरह से आपको मिट्टी में इस चाय पत्ती को दबा देना है। इसके बाद मैंने जो ये एप्सम साल्ट का पानी बनाया था इसको आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। प्लांट की पत्तियों पर चमक लाने के लिए और उसको हरा भरा रखने के लिए आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। जब भी बारिश नहीं हो रही हो तो आप इसका स्प्रे करें, और यदि आप डायरेक्ट इसको सॉइल में डालना चाहते हैं तो सॉइल में भी डाल दें। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इन तीनों चीज़ों के इस्तेमाल से आपका प्लांट हरा भरा घना बनेगा और प्लांट की पत्तियों पर भी चमक रहेगी। थैंक यू।